नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर पे नया अपडेट निकल के सामने आ चुका है। चलिए जान लेते हैं आज पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों पर क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, देश की आम जनता को राहत मिली है और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों पर गिरावट देखी जा रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर आज 90 रुपए सस्ता हुआ है। और आपको बता दें, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पे ये गिरावट देखी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसकी कीमतों पर 51.50 रुपए की गिरावट देखी जा रही है, जबकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ये 89.50 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसकी कीमतों पर 75.50 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। जबकि आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने राजस्थान वासियों को बड़ी सौगात दी है और एक ही झटके में गैस सिलेंडर को 600 रुपए से भी ज्यादा सस्ता कर दिया है। बता दें, राजस्थान में मौजूदा गैस सिलेंडर की कीमत 1107 रुपए प्रति सिलेंडर है, जो 14 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी। लेकिन आपको बता दें, राजस्थान में जिनके पास राशन कार्ड है, सरकार उनको गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में उपलब्ध करा रही है और राजस्थान वासियों को 1 अप्रैल 2023 से सस्ते गैस सिलेंडर का लाभ सरकार की ओर से दिया जा रहा है, जो कि राजस्थान वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में आपको बता दें, सिर्फ 500 रुपए में राजस्थान में गैस सिलेंडर सरकार उपलब्ध करा रही है, जो कि राजस्थान वासियों के लिए बड़ी राहत है। इसके अलावा आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार गिरावट देखी जा रही थी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का यह कहना था कि 1 अप्रैल से पेट्रोल पर 20% एथेनॉल मिलाकर बेचा जाएगा, जिसकी वजह से भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती थी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है और पेट्रोल डीजल की कीमतें जस से तस बनी हुई है। जबकि आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिरी हैं। अगर उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होती तो पेट्रोल डीजल दोनों पे ही 16 रुपए तक की गिरावट हो सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है और देश की आम जनता को अभी भी महंगी दरों पे पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपए है, जबकि डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106.03 रुपए, जबकि डीजल 92.76 रुपए प्रति लीटर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103.19 रुपए, जबकि डीजल 94.76 रुपए प्रति लीटर है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.20 रुपए, जबकि डीजल 84.26 रुपए प्रति लीटर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108.48 रुपए, जबकि डीजल 93.72 रुपए प्रति लीटर है। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।